T20 वर्ल्ड कप में इंडिया की क्या होगी प्लेइंग 11, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क निकल के आता है। क्योंकि देखा जब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ओपनिंग में चेंज होता हुआ नजर आएगा, वहीं पे बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या देखा जाए आप लोग कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और देखा जाए रविंद्र जडेजा एक ही प्लेइंग 11 में देखने को मिलेंगे, या फिर देखा जाए इंडियन टीम आप लोगों को फास्ट बॉलर के साथ जाती हुई नजर आएगी। तो ये कुछ बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, लेकिन हम बताने वाले हैं इस वीडियो में देखा जाए इंडिया की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 जो देखा जाए हर कंडीशन में खेल सकती है और जिसे देखा जाए आप वर्ल्ड कप विनिंग टीम कह सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले ओपनर्स की, तो मैं इस प्लेइंग 11 में देखा जाए वर्ल्ड के बेस्ट ओपनर को यानी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को रखूंगा, क्योंकि ये दोनों सबसे खतरनाक ओपनर हैं। देखिए इन दोनों में से कोई एक भी देखा जाए 15-16 ओवर तक खेल जाएगा तो इंडिया आराम से मैच जीत जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये दो मेरे ओपनर रहेंगे। वहीं पर अगर हम बात करें नंबर तीन पर मैं चाहता हूँ कि ऋषभ पंत खेलें। ऋषभ पंत इसलिए क्योंकि देखा जाए आप लोग को स्पिन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, स्लो पिचेस हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग को स्पिन गेम में आती हुई नजर आएगी, पावर प्ले में तो कहीं ना कहीं स्पिन को काउंटर करने के लिए आपके पास होना चाहिए ऋषभ पंत जैसा एक लेफ्टी बैट्समैन जो स्पिन को बहुत ज्यादा अच्छी तड़ा लगाना जानता हो। तो मेरे हिसाब से ऋषभ पंत नंबर तीन होंगे। नंबर चार जाहिर सी बात है वर्ल्ड के बेस्ट अभी फिलहाल में देखा जाए T20 क्रिकेट पे राज करते हुए यानी कि सूर्यकुमार यादव आप लोगों को देखने को मिलेंगे और मेरे हिसाब से स्काई को इस मैच में देखा जाए परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, या फिर कहो कि इन टूर्नामेंट में अब परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। दो T20 वर्ल्ड कप खराब हो चुके हैं सूर्यकुमार यादव के, मेरे हिसाब से तीसरा वो खुद भी नहीं चाहेंगे कि देखा जाए T20 वर्ल्ड कप खराब हो, तो कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरे नंबर चार पे बहुत ज्यादा अच्छी बैटिंग देखने को मिलती है। नंबर पांच पे पर्सनली मैं चाहता हूं कि हार्दिक पांड्या खेलें, क्योंकि आप लोग बोलो कि शिवम दुबे को खिलाना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों को हार्दिक पांड्या को खिलाना चाहिए, क्योंकि हार्दिक पांड्या स्पिन बहुत ज्यादा अच्छी खेलते हैं और पेसर्स के लिए देखा जाए लास्ट में आप आओगे आपको लाइक 12-13 ओवर हो जाते हैं, उसके बाद देखा जाए आपको एक अच्छा खासा प्रॉपर फिनिशर चाहिए पड़ता है प्लेइंग 11 में। तो नंबर पांच पे मुझे जहां तक लगता है कि हार्दिक पांड्या को होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से टॉप फाइव बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इसमें आप लोगों को एक ऑलराउंडर देखने को मिल जाता है जिसमें आपके विकेट कीपर भी हो गए। अब अगर हम बात करें नंबर छह की, तो नंबर छह पे पर्सनली मैं चाहता हूं कि यहां पे आप लोगों को अक्षर पटेल देखने को मिले। देखिए रविंद्र जडेजा की मुझे बैटिंग पे इतना ज्यादा बिलीव है नहीं फिलहाल देखा जाए T20 क्रिकेट में, सच बता रहा हूँ IPL में भी कोई उनकी इतनी बड़ी इनिंग आप लोगों को देखने को मिली नहीं कि एक तरफ उन्होंने CSK को मैच जिता दिया हो। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को नंबर छह पे अक्षर पटेल देखने को मिलेंगे। नंबर सात पे मैं रविंद्र जडेजा को रखूंगा, क्योंकि देखा जाए लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग कर लेते हैं, एक छोर पकड़ के देखा जाए सामने वाले बैट्समैन को अच्छी खासी देखा जाए दिक्कत पैदा कर देते हैं, तो मेरे हिसाब से लेफ्ट आर्म स्पिनर की मुझे जरूरत है। वहीं पर दो दो लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हो जाएंगे, अक्षर पटेल हो जाएंगे और आपके पास देखा जाए रविंद्र जडेजा भी हो जाएंगे, तो तीन अच्छे खासे आपके ऑलराउंडर हो चुके हैं जिसमें टॉप सेवन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब नंबर आठ पे आप लोगों को कुलदीप यादव देखने को मिलेंगे। जी हाँ, कुलदीप यादव की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि मिस्ट स्पिनर है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को एक अच्छा खासा क्वालिटी लेग स्पिनर चाहिए पड़ेगा अपनी टीम में, तो मेरे हिसाब से वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे मिस्ट स्पिनर के तौर पर वहां पे आप लोग कुलदीप यादव। तो नंबर आठ पे आप लोगों को कोई दिक्कत पैदा नहीं है। नंबर नौ पे आप लोगों को जसप्रीत बुमराह देखने को मिलेंगे। नंबर नौ के बाद 10-11 पे आप लोगों को हरदीप सिंह और मोहम्मद सिराज देखने को मिलेंगे। आपके पास तीन अच्छे खासे फास्ट बॉलिंग के ऑप्शन है जिसमें आपके पास जसप्रीत बुमराह हो गए, मोहम्मद सिराज हो गए, हरदीप सिंह हो गए, जिनमें से किसी को भी आप पावर प्ले में बॉलिंग करवा सकते हो, किसी को भी आप डेथ ओवर में बॉलिंग करवा सकते हो। हार्दिक पांड्या के साथ आपके पास एक अच्छा खासा एडवांटेज रहता है कि वो भी आपके लिए फास्ट बॉलिंग कर देते हैं, और उसके बाद आपके पास तीन अच्छे खासे स्पिन के ऑप्शन है जिसमें अक्षर पटेल हो गए आप लोगों को, वहां पे रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपके पास अच्छे खासे ऑप्शन भी है और अच्छी खासी बैटिंग भी देखने को मिलती है। बाकी आप लोग बताइए आपके हिसाब से कौन सी इंडिया की बेस्ट प्लेइंग 11 होगी आपके हिसाब से, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं एक और नई धमाकेदार वीडियो में।